आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में फेसबुक ओपन करने पर यहाँ पे स्टोरी शो नहीं हो रही है और यहाँ पे आपको शो होता है नो इंटरनेट कनेक्शन, स्टोरीज कुड नॉट लोड, प्लीज़ चेक योर कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। तो यहाँ पे इसे ठीक कैसे करें, तो इसके लिए आप फेसबुक ऐप से बाहर आइए। अब उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा कुछ इस तरीके से फेसबुक, तो फेसबुक पे क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, तो इस पे क्लिक करिए और ओके करिए। उसके बाद ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा, तो इस पे क्लिक करिए। नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे बस ये डेटा क्लियर करने से फेसबुक से आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको फिर से अपना आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये करने के बाद बैक आइए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ डिलीट नहीं होगा, बस आपका फेसबुक से अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा आईडी पासवर्ड एंटर करके अपना अकाउंट। तो यहाँ पे अब ये करने के बाद बैक आइए, नीचे आकर आएगा रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आपका वाईफाई मोबाइल डेटा ऑफ है तो इन दोनों को ऑन करिए। उसके बाद ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ से बाहर आइए। अब प्ले स्टोर ओपन करिए, सर्च बार पे क्लिक करिए और फेसबुक सर्च करिए। उसके बाद अब चेक करिए अगर कोई अपडेट आया है, तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके फेसबुक को अपडेट करिए। उसके बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, यानी कि बंद करके चालू करिए। तो पहले अकाउंट लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालकर अकाउंट लॉगिन करिए। तो यहाँ पे अब एरर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।